Hey everyone, it's me Kia again. और आज के वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हुए देखने वाले हैं 12 और जेल पॉड के स्वॉचेस। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे जिन्हें पार्ट वन के बारे में नहीं पता है, तो एक रिकैप लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आई वेंट टू नेल आर्ट नेल फिएस्टास इंस्टाग्राम स्टोर अगैन और मैंने वहां से एक छोटा सा हॉल किया था, एक थोड़ी सी चीजें खरीदी थी जिनमें से मैंने बोल्ट बी ब्रांड के 36 जेल पॉड्स का सेट खरीदा था। अगर तुम लोग को वो हॉल देखना है या और जानना है उन जेल पॉड्स के बारे में, तो पहला जो वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 12 जेल पॉड्स का स्वाच दिखाया था और अपना रिव्यू भी बताया था और पूरा सब कुछ मैंने उन जेल पॉड्स के सेट के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट 12 जेल पॉड्स का स्वाच देखने वाले हैं, क्योंकि 36 जेल्स हैं। अगर एक ही वीडियो में दिखा दी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तुम लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये है पार्ट टू। सो आज हम देखने वाले हैं स्वाचेस फ्रॉम नंबर 13 टू आई बिलीव नंबर 24। तो अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि 13 to 24 कौन कौन से कलर्स हैं, कैसे स्वाचेस हैं, मेरा क्या रिव्यू है उन कलर्स उन शेड्स के बारे में, then you know what you have to do, just keep on watching the video. So the first shade for today's video is 013. Now ये warm side पे deep purple shade है, but इसका जो formula है वो proper jelly formula है। यहाँ मैं दो coats लगा के दिखा रही हूँ and you can see कि वो jelly वाली translucency और high shine इसमें clearly दिखती है, but जो इसका color है ना वो बहुत ही deep purple है, जो अभी coming Halloween season के लिए बहुत ही appropriate है। क्रीमी नहीं है, जेली साइड पे है, बट बहुत ही खूबसूरत कलर है। नेक्स्ट अप आई हैव 014, विच इज अगेन लाइक अ डीप शेड। दिस वन इज रॉयल ब्लू और ये काफी क्रीमी फॉर्मूला है। एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस सेकेंड कोट तक फुल ओपेसिटी मिली है, तो इसमें जेली वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे तो ये मुझे डीप रॉयल ब्लू कलर सा दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ी हल्की सी 1% डस्टीनेस है। ये उतना ब्राइट कलर नहीं है, बट या अगेन अ ब्यूटिफुल कलर, अ डीप डार्क रॉयल रिच ब्लू कलर। Another pastel shade which is 015. Now ये pastel bright green color है and as you can see ये भी एक काफी rich creamy formula है। दो coats में मुझे full opacity मिल गई थी, कोई भी problem नहीं थी। Color बहुत ही खूबसूरत सा है, मैं सिर्फ पिस्ता green नहीं कह सकती क्योंकि इसमें dustiness नहीं है, काफी bright green सा है, but बहुत ही pastel light shade है जो कि summers और spring में ना बहुत सुंदर दिखेगा। Now I have 016, which is like a pink color, but this time a warm, dusty pink shade. Again, इसका formula भी you can see काफी rich, creamy है। दो coats में मुझे full opacity मिल गई। These gels are really good quality, बहुत ही smooth, self-leveling, creamy formula के साथ आते हैं। And yeah, this is again like a very good palette cleanser or a very feminine, delicate shade if you want to like make such nail arts. Now I have 017, which is like an aqua shade on a pastel side. इसमें ना वो थोड़ी सी yellowish undertones भी हैं और काफी rich creamy formula है। दो coats में full opacity मिल जाती है। काफी different सा color है। I don't think so ऐसा कोई color मेरे पास normal polishes में भी है। So I am really happy to add this particular shade in my collection. Gel में है पर चलेगा। Next up I have 018, which is like a परफेक्ट फॉल शेड। दिस इज लाइक अ येलोइश ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड। देख सकते हो कि इसे येलो कहा जा सकता है हैवी ऑरेंज अंडरटोन्स के साथ, या ऑरेंज कहा जा सकता है विद येलोइश अंडरटोन्स। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कलर दिस फॉल सीजन, जो कि अभी इंडिया में तो नहीं होता है बट बाहर होता है। एंड इट हैज लाइक ब्यूटिफुल अंडरटोन्स फॉर दिस सीजन। काफी क्रीमी फॉर्मूला है, दो कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है। एंड आई रियली विश कि मैं इससे कुछ एक नेल आर्ट बना पाती, बट देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड दिस पर्टिकुलर शेड।
नेक्स्ट अप इज 019 और ये एक पर्पलिश ब्राउन शेड है, मतलब एक ब्राउन शेड जिसमें पर्पल अंडरटोन्स हैं, थोड़ा सा डस्टियर साइड पे है बट फॉर्मूला बहुत क्रीमी है। आई बिलीव मेरे पास शुगर पॉप की क्लासिक नेल लैकर रेंज में ऐसा एक कलर है जो कि नॉर्मल पॉलिश में आता है, एंड नाउ आई लाइक हैव अ जेल काउंटर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर शेड, बट ये अगेन अ ब्यूटिफुल कलर और मुझे लगता है ये वाला कलर भी फॉल में बहुत सुंदर दिखता। Now the next shade is 020 और ये एक ब्राउनिश न्यूड शेड है, अगेन वार्म साइड पे है और फॉर्मूला काफी क्रीमी है। मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट शेड पर्पल वाला दिखाया था उसके अलावा सारे ही शेड्स काफी क्रीमी हैं, 2 से 3 कोट में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, स्पेशली ऐसे न्यूड शेड्स की जिनके लिए लाइक नॉर्मल पॉलिश में भी 3 से 4 कोट्स लगाने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है इन जेल्स का पिगमेंटेशन, इनका फॉर्मूला बहुत 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 अच्छा है। And yeah, what else I can say? Another nude shade added to my collection if I want to do some sort of a nail art like that or use it as a palette cleanser. Another nude in the collection and this one is 021 और ये जो है एक light pinky nude shade है, जो पहले वाला दिखाया था वो brownish nude था, ये pinky nude है। Again formula बहुत creamy है, you can see कि कितना light color है, उसके बाद भी 2 coats से मुझे अच्छी खासी opacity मिल गई है और मुझे ऐसा लगता है ये कलर क्लासिक फ्रेंच मैनिक्योर के लिए अच्छा बेस बन सकता है और यू कैन यूज इट लाइक एज अ पैलेट क्लेंजर एज वेल। नाउ कम्स 022 एंड दिस इज लाइक अ ट्रू वॉर्म ऑरेंज कलर, इसमें कोई भी येलोइश अंडरटोन्स नहीं है, प्रॉपर ऑरेंज कलर है और इसको देख के ना मुझे रसना की याद आ रही है या वो ऑरेंज पॉप्सिकल की याद आ रही है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल फन ब्राइट ऑरेंज कलर, अगेन फॉर्मूला बहुत क्रीमी है, यू कैन सी 2 कोट्स में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई, इसमें कोई भी जेली वाली फील नहीं है जो मुझे लगता है सिर्फ ब्राइट ऑरेंजेस में कभी कभार आ जाती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समर्स नाउ even before winters to use this particular shade and create some magical summer nail arts. Next up is 023 which is like a classic true white color जो मुझे लगता है कि किसी भी collection के लिए बहुत important होता है, एक black एक white, so here is the swatch of the white shade, इसमें कोई undertones कुछ नहीं है, ये बिल्कुल plain स्टार्क व्हाइट कलर है बट इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है, यू कैन सी कि 2 कोट्स में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई है, कोई मिल्कीनेस या पैचीनेस नहीं है इस वाइट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग के लिए या कुछ स्वर्ल्स या नेल आर्ट करने के लिए ये वाइट जेल एज अ पेंटिंग जेल भी बहुत अच्छी तरह यूज हो सकता है। एंड येस आई एम डेफिनेटली गोना यूज this in some sort of winter or Christmas nail art of mine, but for that you have to be subscribed to my channel and wait for that shot. Last color for this video is number 024 which is like a pastel orange color on a dustier side. Now you can see kitne sare oranges include kiye gaye hain is particular set mein, jo ki ek skittle mani banane ke liye ya gradient banane ke liye kitna kaam aa sakta hai ki ek seamless gradient mil jayega agar aise shades honge to. Again formula bahut creamy hai, 2 coats mein full opacity मिल जाती है, आप इसको एक ऑरेंजिश न्यूड कलर भी कह सकते हो, एज अ पैलेट क्लेंजर भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज अच्छा खासा पेस्टल कलर है, स्प्रिंग में तो काम आ ही जाएगा। So yes people, this was the second installment of swatches of Bolt Bees gel pots. I hope tumhein maza aaya ho kyunki kuch bahut hi sundar shades aur colors ye wale video mein aaj maine tumko dikhaye. Now jaldi se baat kar lete hain technical, to ye gel pot ka jo set hai which is like 36 gels, it retails for 1200 rupees and you get like 36 gels which are like 8 ml each. Now maine inhe nail art nail fiesta ke Instagram store se liya hai जिसका डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो गो चेक हर पेज आउट, डीएम हर, आस्क फॉर द स्टाफ एंड यू विल गेट इट वेरी सून, क्योंकि उसकी डिलीवरी भी यार बहुत फास्ट है, ट्रस्ट मी आई गॉट इट इन लाइक 2 or 3 डेज एंड आई लिव इन भोपाल नॉट इन अ मेट्रो सिटी। सो या दिस वॉज ऑल द टेक्निकल स्टफ दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू, इट ऑल्सो कम्स विद अ ब्रश विच इज लाइक अ नॉर्मल फ्लैट आर्ट ब्रश बट इट इज वेरी गुड, यहाँ साइड में मैं पिक्चर डाल दूंगी देख लेना, और अगर इन डेप्थ जानना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट ही देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस ब्रश के बारे में बात करी है।
एंड वट एल्स आई कैन से, दीज आर सम गॉर्जियस जेल्स. अगेन जो फर्स्ट पार्ट में कहा था वो भी आज कहूंगी कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव जेल्स हैं, बट बहुत अच्छी क्वालिटी के और अच्छी खासी शेड रेंज है. सो इफ यू आर समवन हु इज लाइक बिल्डिंग देयर जेल कलेक्शन, जेल पॉलिशेस का कलेक्शन, दिस इज अ ब्यूटिफुल सेट दैट कैन बी एडेड टू योर कलेक्शन. इसमें काफी शेड्स मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के जेल्स मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस पे. तो मैंने तो सारे 36 जेल्स खरीद लिए. इवन दो मैं जेल्स इतना यूज नहीं करती हूँ, बट हियर एंड देयर आई डू मेक सर्टेन नेल आर्ट्स जिसके लिए मुझे जेल्स चाहिए होते हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट सेट फॉर मी. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट टू ऑफ बोल्टबीज जेल पॉड स्वाचेस. आई होप तुम्हें पार्ट वन पार्ट टू देख के मजा आया हो एंड यू आर एक्साइटेड फॉर पार्ट थ्री, क्योंकि there are some beautiful, beautiful colors in that. I am really happy with my purchase of these 36 ka set of gel pots. So if you're also someone looking to expand your gel polish collection, now go for it. मैं सारी details और Instagram store ka link जो है वो नीचे description में डाल दूंगी. You can go check the page out. वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है, but still if you have some questions, comments में डाल देना. I will get back to you. In fact, you can like DM Rupam and ask her whatever you want to know about the products and stuff. Plus, yeah, agar tumhe ye video pasand aaya ho, tum enjoy kar rahe ho and you cannot wait for the part 3, to is video ko dena ek bada sa thumbs up, karna mere channel ko subscribe bilkul free hai aur bell icon ko click karna nahi bhulna, kyunki third part jaldi hi aane wala hai and you don't want to miss it. Plus, as I always say, stay safe, be kind to the animals around you. Keep yourself hydrated and I'll catch you on my next one. Bye-bye.